हेलो मैम। हेलो। नाटा के रिगार्डिंग मुझे कुछ क्वेरीज थे। श्योर, गो अहेड। नाटा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? वेल, अगर आप 11th में हो या 12th में हो या आपने इस साल 12th दिया हुआ है विद साइंस स्ट्रीम, तो आप नाटा के लिए एलिजिबल हो। या नाटा के लिए कोचिंग जाना जरूरी है? यस, बिल्कुल। बिकॉज कोचिंग से आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलता है। इनफैक्ट हमारा नाटा इस ट्यूटोरियल्स काफी बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे हम एक्सपीरियंस फैकल्टीज लाते हैं। ऑल्सो हमारा फी स्ट्रक्चर इज वेरी अफोर्डेबल एंड हम सून हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स लॉन्च करने वाले हैं। सो मैम, मुझे अपने स्केचिंग स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? एक्चुअली प्रैक्टिस इज द की। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके लिए आपको डेली बस 1 घंटे के लिए लाइव स्केचिंग प्रैक्टिस करना है, या स्क्रिबलिंग करो, या नाटा के जो 2D कॉम्पोजिशंस है या 3D कॉम्पोजिशंस है उनको प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप नाटा में बहुत अच्छे स्कोर्स ला पाओगे।